Assalamualaikum everyone and welcome to another vlog. It's a big day for me and मैं अभी ready नहीं हुई हूँ. मैंने काम भी नहीं किया हुआ है. अभी एक बज रहे हैं तो मैंने अपना स्टीमर जो है ऑन किया और अभी मैं अपना जो ड्रेस है उसको प्रेस करूँगी एंड देन उसे बखूर वगैरह लगाऊंगी. लुक एट माई हैंड्स आर नॉट लुकिंग सो प्रिटी बिकॉज ऑफ दिस हेना. वी विल ट्राई कि ये हेना चली जाए. कुछ करेंगे इसके साथ. सो या मैंने नेल्स नहीं लगाए बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि मैं अपने आप को बिल्कुल यू नो फ्री छोड़ूँ. मतलब बिल्कुल फ्री होनी चाहिए. नेल्स लगाऊंगी तो वो निकल गए. फिर वो स्टिकर्स लगाओ ये वो. तो मैंने नेल्स लगाए. मैंने हाँ नेल पॉलिश लगा ली थी. तो यप You all insisted me to make the vlog, so that's why I'm making the vlog. Otherwise, I'm super, super, super nervous, excited as well. But मुझसे मतलब ऐसी हालत में बनते नहीं है vlogs. लेकिन मैंने बोला चलो आप लोगों ने request किया तो why not? आजा भाई. So this is the dress which I'm gonna wear. ठीक है. ये वाला भी दिखाया था मैंने आप लोगों को लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया था तो मैं ये वाला पहनूंगी dress. So I got this dress from Suzani Designs. She is a Nepali designer. It's a Nepali, like she owns a boutique or something. So इन्होंने मेरे लिए जो है कस्टमाइज ड्रेस बनाया था. इन्होंने खुद स्टिच किया है और ये बिल्कुल बना बनाया नहीं है. लाइक रेडीमेड नहीं था. इन्होंने एक एक चीज़ खुद स्टिच की है. साथ इन्होंने नकाब भी रखा है और हिजाब भी मैचिंग का रखा है. बट आई एम नॉट श्योर विद द नकाब. द नकाब इज़ लाइक आई शो यू गाइज. नकाब है ना इट्स वेरी बिग. लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है. इस तरीके का नकाब नहीं होता है. नकाब काफ़ी मतलब छोटा होता है. लेकिन अभी विल ट्राई आई लेवल बेस्ट कि अगर मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ बिकॉज ये एज अ नकाब बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन अगर नहीं हुआ तो लेट्स सी वॉट आई कैन डू. लेकिन इसका हिजाब का मटीरियल भी बहुत अच्छा है. सो या लेट्स आयरन माई ड्रेस. गाइस ये इज़मा के बर्थडे के बलून्स थे. इज़मा ने ये तीन चार दिल तो हवा में उड़ा दिए. अभी तक तो दिख रहे थे. पता नहीं कहाँ गए. अभी तक तो थे. वो रहा देखो वो रहा ये दिल उड़ गया. मैंने बोला तीन चार रख दे क्या पता मैं जीत जाऊँ. देखो जरा. और ये वो गार्डन है जो हम लोगों ने बनाया था पूरा. इसका भी मैं आप लोगों को जबकि पूरा रेडी हो जाएगा ना फिर लुक दिखाऊंगी. सो ये रसासी का बखूर है. आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. हम लोग ये यूज़ करते हैं. सो इट कम्स विद द वेरी लग्जीरियस पैकेजिंग. ठीक है. एंड देन आप लोगों ने हम लोगों ने वाली यूज़ की हुई है. ईद पे यूज़ की थी ये वाली. काफ़ी यू नो अच्छी है. तो हम यू नो यार ये यूनो जो मैं बोलती हूँ ना काफ़ी लोग मेरे यूनो से परेशान हैं. तो ये मैं अब यूनो बोलना ख़त्म कर दूँगी अपने व्लॉग्स में. तो ये इस तरीके से आ गई है और मैं इसको रखूँगी इस तरफ एंड देन एसी कर दूँगी बंद. बस ये इस तरीके से जो है ना ये पूरा ऊपर तक जो है ना मेरे गाउन पर जाएगी और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. तो अभी कितने बज रहे हैं इसमें. आई थिंक अभी 2 बज रहे हैं. तो मैं अभी रिलैक्स करती हूँ. मैं 4 बजे तक जो है ना रेडी होना स्टार्ट करूँगी ताकि मैं अपने लिए वीडियोस भी ले लूँ और आप लोगों को अपना लुक भी दिखा दूँ. तो ये अच्छे से हो रहा है भाई. मेरे तो पूरे रूम में खुशबू हो गई है. आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस मैन. ट्राइड माई लेवल बेस्ट के ये है ना हटे. ये बस इतनी ही हटी है. लाइक इस वाले हाथ से तो फिर थोड़ी बहुत हट गई है. इस वाले से तो बस इतनी हटी है. सब मुझे इसी हाथ के साथ ही जो है ना अपनी तैयारी करनी पड़ेगी. सो यप व्हाट्स इन द हैंड नाउ. मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया तो और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आंखें बंद ही रखूँगी. जैसे कंप्लीट होगा तो मैं दिखाऊंगी. ठीक है. और ये डार्क सर्कल्स नहीं है. ये लाइट नहीं है इसलिए दिख रहा है ऐसे कुछ. तरह बहुत मुश्किल से मेरा स्कार्फ जो है मतलब सेट हुआ है और ये अभी कुछ इस तरीके का लग रहा है. मैं आपको पूरा दिखाती हूँ. तो मैं तो टाइम से पहले ही तैयार हो गई हूँ और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है फुल. ठीक है. आई होप मैं दिख रही हूँ आप सबको. बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया कैमरा. ये राउंड तो लाइक मेरा फेवरेट है. कुछ इस तरीके से लग रहा है. अब मैं आराम से बैठ जाऊंगी. मैंने कुछ भी नहीं खाया. मेरे को पता है लाइक आई हैवंट ईट एनी थिंग और मुझे अभी कुछ दिल चाह रहा है कुछ खाने का. तो मैं मतलब अभी अपना नकाब का उतार के पिक्चर्स वगैरह लेके कुछ खा लूंगी. बिकॉज यार वहाँ पे क्योंकि मैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं खा सकती. ये जब मैं नकाब पहना था तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती हूँ. सो यप. और मेरा आई मेकअप भी देख लो आप लोग. 6 बजे वहाँ पर होना था लेकिन अभी यहीं पर ही हमें जो है 5:51 हो गए हैं. मतलब
देख सकते हैं आप लोग। और ये हम मेरी लोकेशन से 59 मिनट्स की ड्राइव है और बस हम जल्दी निकल रहे हैं। बस मामा मेरी परफ्यूम भूल गई थी, वहाँ परफ्यूम लेकर आएंगे हम निकलेंगे। गाइस हम लोग तो हो गए हैं लेट, ठीक है, लेकिन जा रहे हैं, चल रही है गाड़ी हमारी। टाइम आप लोग देख सकते हो, ट्रैफिक था यार, काफी ट्रैफिक था। और अभी मुझे एक मेल आई है, इट्स फनी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किसी केजन की मेल आई है कि अवार्ड मिल गई। अरे यार पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तुम लोग इतने श्योर हो ना, मतलब इतनी ज्यादा हाई होप्स रखी हुई तुम लोगों ने, अवार्ड मिल गई। देखा आपने मेरे लोगों को, मतलब माशाल्लाह, देखे इनकी खुशी जरा चेक करें, इनको मुझ पे इतना यकीन है कि मतलब बस मिल जाएगा, मुझे ही मिलेगा और कोई दूसरा है ही नहीं बंदा। अरे अवार्ड मिले या ना मिले, इनका दिल तो आपने जीत लिया है ना, बस अल्लाह करे इनकी खुशी बरकरार है। अगर आमीन, इन लोगों को चाहिए अवार्ड तो मुझे अवार्ड मिले बस, आमीन। Guys, we have reached. अभी तो मैंने ब्लैक स्कार्फ पहना है, अभी मैं टॉयलेट में जाके अपने आप को ठीक करूंगी। वी हैव द वैले पार्किंग, जा रहे अंदर। दिस इज द होटल। माय डियर, वेयर इज रेस्ट रूम? या ओके, थैंक यू। सो मैंने जब मतलब रेडिसन ब्लू का नाम लिया था तो मॉम भी लाइक हाँ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे याद आ गया कि यहाँ पे ना मोस्टली शादियाँ रेडिसन ब्लू में ही होती हैं और यहाँ का खाना काफ़ी फेमस है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हील्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लाइक बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है। मामा मॉम इज़ फिक्सिंग माई हिजाब, लाइक वो ठीक कर रही हैं। शी इज़ लाइक ज़्यादा फ्लफी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज यू नो शोल्डर्स मामा इस तरह से ज़्यादा, इस तरह से कम है, देखिएगा। मैंने भी अंदर किया। ओके ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है यार। मुझे गाइज नहीं बोला था लेकिन इस टाइम मैं गाइज बोल रही हूँ। ओके सो ये लगा हुआ है, इधर मैं अभी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगी मम्मा मेरी। और पता है मम्मी, बताओ मेरे साथ अभी क्या मसला हो गया था, और मैं जो रो रही थी, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज, मेरे फ़ोन की स्टोरेज हमेशा जरा फुल हो जाती है, लेकिन मैं रो नहीं रही थी, मैं ठीक हूँ। इतने सारे लोग हैं, अभी तो काम पे टांग रही हैं। सो गाइज ये इस तरीके से है, और उधर अवार्ड देंगे, एंड पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मम्मा आप एक्साइटेड हो? हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीपी लो हो चुके हैं। होय 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 होय, देखिए कितना रश है यहाँ पर, और ये अलीजे यहाँ पर आराम से बैठी हैं, बहुत रश हो रहा है। और इस स्टेज पे जाना है अलीजे ने, so I was not really comfortable with my hijab, I just you know my hijab मैंने ठीक किया अभी, so I'm comfortable now, alhamdulillah। और अभी तक function start नहीं हुआ है, function start होने में time था। We are superstars of the UAE with us all under one roof, am I right? Yes, this kind of energy doesn't work for me, बात है। Do we have a UAE social media superstar in the room? Yes! That's more like it. I need you guys to have this energy all throughout. Whenever there's a winner on stage, you have to cheer for them. Yes, please. Cheer for them. And cheer for yourself as well. अगर मतलब अगर मैं जीती ना तो आपने चिल्लाने मेरे लिए पक्का, हाँ तुम भी। So how are you guys? How are you all? Good. So thank you so much for turning up for today's event. And this has been my, most of you guys have asked me why we are doing the social media superstar awards, because I personally feel you guys are nothing less than a film star. Okay, with a lot of yes, professional background, film course. Stars do whatever they do. Thank you. But with bare minimum equipments, you guys create amazing content, keep us engaged on a phone. Okay, which may be good or may be bad. It's up to you guys. So you guys do an amazing job. So we felt that it's the right time to award you guys, to honor you guys for such amazing work you put in. So without taking much time, I would hand over the mic to Priya, our lovely host, to carry on with the awards. Yay!
Thank you so much. Mr. Harsha Chu present a token of appreciation to Mr. Mahi, the Mama chilla. Superstar Awards. How many TikTokers in the room? We, Yeri. Chao, show na chao. Kya kar rahe ho? Roman bhai ka, Roman bhai ka, mujhe pata hai. Sir, TikTok pe show nahi ho jana hai. Ah, nahi, aapka hai, aapka hai. Okay, so our TikTok superstars are right here with us in the room. Is Megha Garg is here. Let's see the nominations. सो गाइज़ इस पर भी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं दे सकती क्योंकि 3 बार मुझे कॉपीराइट आ चुका है तो मैं ये क्लिप्स जो है ना टिकटॉक पे अपलोड करूँगी जब मेरी वीडियो आई थी ना एवरीबडी स्टार्ट स्क्रीमिंग आई डोंट नो उसके बाद सारे एक एक करके आ रहे थे बट जब मेरी मैं आई थी ना आई डोंट नो सब क्यों चिल्ला रहे थे तो जब सबकी आई तो मैं भी चिल्ला रही थी पागलों की तरह लेकिन मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती थी सिवाय 2 लोगों के उसके बाद अभी फिर से वो इश्यू आएगा कॉपीराइट का तो आप लोगों को मेरी ये गंदी सड़ी हुई आवाज सुननी पड़ेगी Star awards are as follows starting with Alize Jamali गाइज़ यहाँ पे उन्होंने मुझे स्टेज पे कॉल आउट किया था एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड हैप्पी एज वेल आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड देन आई वाज स्टार्ट शिवरिंग उसके बाद यहाँ पे भी मुझे कॉपीराइट इशू आ गया तभी मैं जो है ये वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर मैं स्टेज पे गई हिलते ढुलते उसके बाद मैंने उस लड़की को औरत वो लड़की बताया मुझे बुरी थी तुम इतना काम क्यों रहे आई वाज लाइक दिस इज़ हाउ आई एम शिवरिंग एंड देन मैंने इसको अपने मतलब शीज उसे मुझे अपने करीब किया एंड देन यू नो शी हग्ड मी एंड देन आई वाज लाइक थैंक यू सो मच एंड देन आई पुल हर एंड देन आई वाज लाइक लेट्स टेक अ पिक्चर उसके बाद यू गाइस जस्ट लिसन माय स्पीच आ मैं इतना शिवर कर रही आई एम शिवरिंग Thank you so much, Flagman, for this opportunity. So my TikTok account, I created like 2 saal pehle, 2 years ago is when she created her TikTok account, okay? Mujhe nahi pata tha ki main jeet jaungi, to be very honest. We have Romal bhai here, we have Zoya here. They are amazing creators. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. थैंक यू सो मच आयुष थैंक यू सो मच एवरीवन अल्हम्दुलिल्लाह और अभी हम इधर जो है वीडियो बनाएंगे थैंक यू सो मच आई एम लिटरली शिवरिंग राइट नाउ मैं वीडियोस लूंगी इसके साथ अंदर गाइस सो गाइस खाना खुल चुका है लेकिन मैं खाना नहीं खा सकती बिकॉज ऑफ माय नकाब सो मैंने जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक लिए एंड कैन आई हैव अ स्ट्रॉ प्लीज स्ट्रॉ कैन यू टेक दिस वन प्लीज और स्ट्रॉ मैंने मंगवाया था कि मैं आराम से ये तो पी सकूँ मेरा हलक खुश हो चुका है खुश आई डोंट नो खाने में क्या क्या है और जब मामा लेकर आ जाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खाने में क्या क्या है मॉम हाउ इज द फूड आई मिस ईटिंग दिस फूड मैन लाइक ओ माय गॉड इट्स सो हॉट लाइक गरम गरम है वाओ मॉम मुझे भी खाना है यार आई एम आल्सो हंग्री गाइस मामा मेरे लिए खाना लेकर आ गई हैं मुझे इस तरीके से लग रहा है और अब मैं देखना किस तरीके से खाती हूँ ये बड़ी स्ट्रगल होने वाली है इधर भी लिटरली मुझे अभी 5th time पर जो है कॉपीराइट आया है तो इधर मैं आप लोगों से खा रही थी कि मैं मतलब कैसे खाना खाती हूँ नकाब के साथ जब मैं बाहर होती हूँ सो आई वाज जस्ट सेइंग कि एक स्मॉल बाइट लेती हूँ मैं और इस तरीके से मैं खाती हूँ सो आई वाज टीचिंग यू तो सब पीछे से वो गाना बजा जिसकी वजह से दिस इज़ द 5th time मैं आप लोग अपना मेल दिखाती हूँ अभी एक सेकेंड मैं स्क्रीन शॉट इधर लगाती हूँ रुकना ये देखो इतनी ज़्यादा मुझे कॉपीराइट आई है और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि बस लग जाए और मैं समझ रही थी ये वाली वीडियो मेरी सबसे ईजिली एडिट होगी और मैं जाकर आराम से सो जाऊँगी बिकॉज आई एम हेल्थ टायर्ड मैं कल से नहीं सोई हूँ बट नहीं भाई नहीं सो गाइस आई एम डन मेरी स्लीपर्स पता नहीं आप लोगों को दिख रही मामा देखो मेरी चप्पलें इतनी गंदी दिख रही है कसम से तो चप्पलें हैं अब वो तो नहीं है कि अच्छी दिखेंगी इन्हें पहन के हम नीचे चलते हाय Oh, you have our certificate. Oh, really? Mama, पकड़ी है मेरे हाथ में चीज़ें. Okay. Thank you. Thank you so much. Bye. Nice hair. Reminds me of someone very special.
किसकी तरह थे मम्मा इसके बाल? किसकी तरह से? आयुष आयुष तो भाई ये ट्रैफिक है और मेरी तो मतलब नींद आ रही है मुझे बड़ी मस्त किस्म की और 11:23 हो रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं बस। अब देखो घर कब तक पहुंचते हैं। सो गाइज इट्स 11:46 और अभी हम लोग घर के अंदर एंटर हो रही हैं। लाइक हमारी गाड़ी को मैं घर के अंदर लेके जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, सो एक्साइटेड टू शो माई ट्रॉफी टू माई पेरेंट्स, मतलब मेरे अब्बा और मेरी बहन और मेरा भाई। क्या मतलब आप भी शोर थे? बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इससे ज्यादा कामयाब करे मेरा बच्चा। कितनी भारी है ना पापा, 1 लाख प्लस माशाल्लाह। 1 लाख मतलब सबसे ज्यादा वोट तुझे पड़े? सबसे ज्यादा। Anyways guys, that's it for today. I hope you guys enjoyed the vlog. It was a very short vlog. मैंने try किया कि मैं सारी चीज़ें यू ना आप लोगों को दिखा सकूँ। So see you guys inshallah in the next vlog. Once again, thank you so much whoever voted for me. Thank you so much Ayu Janta, Ayu Janta. You guys are awesome. Thank you so much everyone. I love you all so much. Stay blessed. Stay happy. Bye.